जैसे कि आप हाथ में मेरे देख सकते हैं और आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं अभी आया हूँ कर्नाटका एक्वेरियम और अनफॉर्चुनेटली अभी भाई यहाँ पे नहीं है, तो आज मुझे खुद इनको हैंडल करना है। तो बेसिकली यहाँ पर अभी काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ, तो आज हम सो आई विल बी हैविंग 3 वीडियो सीरीज फ्रॉम हियर जिसमें हम बात करने वाले हैं। तो पहला वीडियो रहने वाला है व्हाट ऑल स्नेक्स इगुआनास एंड टेगू, तो इसमें पाइथन है तो वो डिफरेंट पाइथन और इगुआना दिखाऊंगा प्लस टेगू दिखाऊंगा। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम कवर करेंगे जो टर्टल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ऑल्सो फ्यू रियली एग्जॉटिक फिशेज आर अवेलेबल एट कर्नाटका एक्वेरियम, तो वो रखेंगे एंड द थर्ड वन विल बी ऑन द रोडेंट्स। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लड पाइथन जो कि मेरे को अभी बताया कि इट इज़ मलेशियन ऑरिजिन और इसकी लेंथ 7 to 9 फीट हो जाती है और बाकी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हेल्दी और कलरेशन कितना प्यारा आ रहा है। एंड ऑफकोर्स आई मीन मेरे को इतनी स्नेक की नॉलेज नहीं है, तो जब भी मैं कर्नाटका एक्वेरियम आता हूँ काफ़ी कुछ सीखे जाता हूँ यहाँ पर जो हैं और इसके बारे में बताते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला ब्लड पाइथन। ऑल्सो ये बता रहे थे कि मोस्टली दे लव टू स्पेंड देयर टाइम इन वाटर, तो अगर आप इनको रिवर के साइड में पाओगे या रिवर बैंक्स में पाओगे सो दे ऑलवेज वॉन्ट टू हैव अ ह्यूमिड प्लेस वेयर दे वॉन्ट टू लिव इन। तो ये हो गया आपका। ऑफकोर्स इस वीडियो में मैं कुछ प्राइस की बातें नहीं करने वाला, जो भी नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इनफैक्ट जो पूरी डिस्क्रिप्शन में डिटेल है तो आप कॉल करके फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू नो मोर अबाउट दीज रेप्टाइल्स। तो ये हो गया पहला हमारा ब्लड पाइथन। नेक्स्ट हम मूव होते हैं अपने अल्बाइनो बॉल पाइथन के लिए। अब मेरे हाथ में है अल्बाइनो बॉल पाइथन और यूजुअली जो ये वाले आपके पाइथन्स हैं आई मीन अल्बाइनो बोला जाता है उसमें भी काफ़ी जीन्स होते हैं, तो इसका जो पूरा एक रोल होता है वो मेलेनिन का होता है, जो मेलेनिस्टिक स्पीसीज या जीन्स की वजह से, दैट्स वाई यू गेट गुड क्वालिटी ऑफ अल्बाइनो एंड एवरीथिंग। और इन अ बेसिक नॉलेज आपको मैं बता दूँ कि दे लिव अप टू 32 to 40 ईयर्स एनी बिटवीन इन इंडिया एंड ऑल्सो दे ग्रो अप टू 5.5 फीट। और इनका कलर आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा होता है। अभी इसने फीड लिए तो काफ़ी शाही तरीके से बैठा हुआ है तो अभी ज़्यादा निकल नहीं रहा है। आई विल ट्राई टू, ये देखिए इसकी आँख इतनी प्यारी दिखती हुई। तो ये है हमारा अल्बाइनो बॉल पाइथन और अगेन डिटेल्स के लिए आप नंबर पे कर सकते हैं कनेक्ट। नेक्स्ट हम निकालते हैं बोआ। नेक्स्ट है मेरे हाथ में विप्रोनी बोआ जो आप देख सकते हैं, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ और यूजली आप रेड टेल बोआ वो सब देखते हैं, तो ये दूसरी स्पीसी है जो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। आप काफ़ी प्यारा है और अभी पूरे मेरे हाथ में टेंगल्ड हो रखा है एंड बेसिकली ये बताया जा रहा है कि दिस इज़ देयर ओरिजिन इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना एंड US एंड दे ग्रो अप टू बिटवीन 4.5 to 5 फीट टाइप्स। और इसका आप पिगमेंट कलर देख सकते हैं कि इट इज़ लाइट ब्राउन ऑन द साइड एंड डार्क ब्राउन ऑन द टॉप और आइस का कलर तो कितना ही प्यारा है। प्लस मैं देखता हूँ इसको इस तरीके से पकड़ने से आई थिंक इट जस्ट स्पीड अभी जस्ट इसने मूव किया मेरे हाथ में बट काफ़ी कलर प्यारा कलर है और विब्रोनी गोवा एंड कम्स फ्रॉम अर्जेंटीना US। नाउ आई हैव इन माई हैंड हॉग नोज और ये देखिए कितना क्यूट सा है और इसका फेस आप देख सकते हैं जो नोज है ऊपर से हो रखी है, सो आई थिंक दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हॉग नोज जस्ट बिकॉज ऑफ द यू कैन जस्ट सी द नोज थोड़ी ऊपर टिल्टेड है। एंड ये उन हॉबीज के लिए सही है जो रेप्टाइल्स और स्नेक्स रखना चाहते हैं बट दे ऑल्सो हैव अ इशू विद दी कीपिंग अ स्पेस और समथिंग, तो इनका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये 3 feet तक जाते हैं तो इनका आप इजीली इनक्लोजर मेंटेन रख सकते हैं। एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताया कि ये कभी कभी ऐसे प्रिटेंड वन दे आर इन डेंजर तो ये प्रिटेंड के उल्टे हो जाते हैं, दे प्रिटेंड टू बी डेड ताकि वो उस डेंजर को अवॉइड कर सकें। तो ये देखने में तो काफ़ी प्यारा है और प्लस अगेन आई वुड से जो हॉबीज स्नेक्स रखना चाहते हैं और ज़्यादा बड़े नहीं रखना चाहते, छोटे और क्यूट से रखना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट पेट टू
हैव विद देम। तो स्नेक्स अब हमने कवर कर लिए हैं, तो अब हम मूव करते हैं इगुआनास पे। इगुआनास में दे हैव द बिगर वन एंड द स्मॉलर वन, तो जल्दी से उनको दिखाते हैं। तो गाइज अब मैं दिखा रहा हूँ इगुआनास, और बेसिकली आपने काफ़ी इगुआनास जो देखे हैं प्लस जो मेरे पास हैं वो यहाँ कर्नाटका एक्वेरियम से ही हैं। और आज अभी फिलहाल दे हैव द ग्रीन वन विच आई विल शो यू राइट नाउ। तो अबाउट 2 feet, 2.5 feet का है, एंड हमने जितने पॉसिबल म्यूटेशंस हैं सब यहाँ पे देखे हुए हैं। और फिलहाल अब अभी मेरे हाथ में देख रहे हैं ग्रीन इगुआना, एंड थोड़ा सा है इसके चेहरे पे ब्लू का कुछ टच, तो आई डोंट नो कि ये रहेगा या निकल जाएगा, बट यू कैन सी दैट ब्लू कलर इज ऑन द नेक। एंड इसके बाद जो आपको दूसरा दिखाने वाला हूँ, लिटरली मेरी जो उसने फाड़ी है और जिस तरीके का ड्रावना है पूरा ड्रैगन लग रहा है गाइस। सो आई विल रिक्वेस्ट, वो मेरे आसपास ही घूम रहा है, मेरी हालत ख़राब हो रही है कि कभी भी मेरे ऊपर कूद सकता है। जिस तरीके से मुझे देख रहा है, तो जो हम वो मूवी देखा करते थे बिल्कुल वैसा ड्रैगन लगता हुआ ये। और तो इसकी अच्छी खासी है, और ये मैक्सिमम साइज जाती है इनकी 6 feet, और आप देख सकते हैं द वे दे मूव टोटली लुकिंग लाइक अ ड्रैगन। इसकी आइज आप देखिए इतने खतरनाक तरीके से। तो ये है आई गेस ये भी होगा 4 feet का, एंड दे गो अप टू 6 feet, दे गेट रियली ह्यूज, और देखेंगे इसके। तो चलिए अब इसके बाद हम टेगू देखते हैं और फिर इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। तो अब मेरे हाथ में है अर्जेंटीनियन ब्लैक एंड वाइट टेगू, और इनका साइज जाता है इजिली अप टू 5 feet, और ये काफ़ी प्यारी स्पीसीज है जो आप देख सकते हैं, काफ़ी तगड़ी लगती है। मेरे को तो पहले ये मॉनिटर लिजर्ड टाइप लगते थे, बट आई बिलीव दे कम विद द सेम फैमिली एज वेल, बिकॉज सारे लिजर्ड्स ऐसे ही हैं। और ये होते हैं ओमनीवोरस, बट देन मोस्टली दे आर कार्निवोरस, और आप इनका देख सकते हैं द वे दे वॉक, अगेन दे लुक लाइक अ डायनासोर, प्रॉपर कोमोडो ड्रैगन टाइप दिखते हैं। और इनकी स्किन काफ़ी बढ़िया होती है, और काफ़ी दे लुक वेरी अट्रैक्टिव। सो दीज आर गेटिंग रियली फेमस इन टर्म्स ऑफ पीपल गेटिंग टेगूज अलॉट, काफ़ी टेगू के पेट कीपर्स आ गए हैं और वो उनको रखना पसंद करते हैं। इसके पास से देखिए कि अब कितने कॉन्स्टेंटली अपनी टंग को वो निकालता रहता है जस्ट टू स्मेल द सराउंडिंग एनवायरनमेंट अराउंड। तो गाइज ये वी आर वाइंडिंग अप द फर्स्ट वीडियो एट कर्नाटका एक्वेरियम। तो आपको हमने इस वीडियो में जो यहाँ पर पाइथन और स्नेक्स थे वो दिखाए, और प्लस दी और जो इगुआना था प्लस टेगू दिखाया। तो आप फॉर द डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर आई एज आई मैंशन। और वेरी सून अगले वीडियो में जो रहेगा वो रहेगा इनके यहाँ पे जो टर्टल्स कर्नाटका एक्वेरियम एंड एग्जॉटिक फिश, तो आप पीछे देख सकते हैं, तो वो करेंगे। तो अगर आपको ऐसा ही कंटेंट देखना है तो मैं अपने ब्लॉग्स के साथ आई जस्ट ओनली कम टू कर्नाटका एक्वेरियम फॉर ऑल दीज एक्जॉटिक पेट्स, जहाँ पर हम आके कवर करते हैं, गेट टू सी एंड गेट बिट ऑफ नॉलेज फ्रॉम हियर। तो अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस इन फ्यूचर देखने हैं तो प्लीज़ डू हिट सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक एंड कमेंट। एंड टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, आस पास ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।